ये बताया जा रहा है कि गांव केवरा स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिर गया। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से बिल्डिंग जर्जर हो गई है और इसी के कारण बच्चों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है और बारिश में बाहर बैठने वाले छात्र बेहद परेशान रहते हैं। वहीं खाने की छुट्टी के दौरान यह हादसा हुआ है, ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिर गया, बारिश की वजह से ये प्लास्टर गिरा, बच्चे बाहर बैठने को मजबूर हैं और यहां पर जो दावे किए जाते हैं शिक्षा विभाग की ओर से, उन तमाम दावों की पोल खोलती ये तस्वीर आप देखिए। और चलिए सहयोगी अख्तर अली इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अख्तर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब से इस तरीके का जो इस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है और क्या जानकारी दी गई है शिक्षा विभाग को इसे लेकर? आवाज कट रही है अख्तर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक्चुअली अख्तर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो भी दावे किए जाते हैं कि बिल्डिंग की स्थिति सही है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, उन दावों की पोल खोलती है तस्वीरें। बिल्डिंग की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, क्योंकि भारी बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से छत का जो प्लास्टर है वो भी गिर चुका है और बच्चे इस वक्त बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हमेशा बच्चों की जान को खतरा बना रहता है और ऐसे में जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, वो बेहद चिंतित होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो दावे किए जाते हैं वो इन दावों की तस्वीरें आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के दावों की यहां पर पोल खुल गई है। जर्जर बिल्डिंग में बच्चों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है और किस तरीके से बच्चे खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं आप तस्वीरों के जरिए देखिए। भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से प्लास्टर गिर गया है और यहां पर बिल्डिंग की स्थिति भी बिल्कुल खराब हो चुकी है, कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है और ऐसे में आप समझिए कि बच्चों की जान को कितना खतरा है। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की ओर से संचालित